नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चुनाव के नतीजे आने में अभी 10-11 दिन बाकी हैं, पर भावी सरकार को लेकर अभी से अटकलें तेज हो गई हैं। क्यों ना हो, इतनी विशाल आबादी के देश का चुनाव है, काफी जोश खरोश है। बहस, विवाद और आशा निराशा के बीच ये लड़ा गया चुनाव है। अंतिम दो चरणों में दोनों तरफ से जोरदार कोशिशें हो रही हैं पासा पलटने की। ऐसा लगता है कि लोग ये समझते हैं कि खासकर राजनीतिक दल, बड़े जो राजनीतिक दल हैं, कि शायद अगले दो चरण ही निर्णायक हैं। सत्ताधारी चाहते हैं कि हर कीमत पर उनकी सत्ता बनी रहे, और विपक्ष उन्हें बेदखल करने की बिखरी बिखरी सी कोशिश कर रहा है। बिखरी बिखरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर स्टेट में वो बीजेपी को रेजिस्ट कर रहा है, उनको कड़ी चुनौती दे रहा है, लेकिन वो कई कई खेमों में बंटे हुए हैं। और ये दिल्ली से बंगाल, यूपी से महाराष्ट्र, हर जगह ये बात दिखाई दे रही है। घटनाएं और डेवलपमेंट्स, बयानबाजियां और विवाद काफी तेजी से उभर रहे हैं। झूठ, सतही बयान और फेक न्यूज का अंधड़ सा बह रहा है। छोटे मोटे नेता इस अंधड़ में बहे तो बात समझ में आती है। राजनीतिक दलों के टॉप लीडरान भी झूठ और सतहीकरण के इस अंधड़ में बह रहे हैं। लेकिन इस अंधड़ में एक ऐसा सवाल भी लहरा रहा है जिसे बेमतलब नहीं कहा जा सकता। वो क्या है? वो सवाल है, क्या इस चुनाव में किसी भी दल को अपने बल पर बहुमत मिल रहा है? क्या हमारा चुनाव एक मिलीजुली सरकार के जनादेश की तरफ बढ़ रहा है? क्या जनता को मोदी शाह की प्रचंड बहुमत वाली सरकार के 5 साल का काम और तौर तरीका पसंद नहीं आया? क्या लोगों का बड़ा हिस्सा मोदी शाह योगी टाइप शासन के एकाधिकारवाद और निरंकुशता तानाशाही को बढ़ावा देते तौर तरीकों को खारिज करता नजर आ रहा है? क्या लोगों को इन 5 सालों में सबका साथ सबका विकास नहीं दिखा? मजे की बात है, मोदी और शाह इस चुनाव में भूल कर भी चुनावी नारों, 2014 के चुनावी नारे क्या थे और उनके वायदों को वो जुबां पर भी नहीं ला रहे हैं। वो क्या थे भाई? वो थे सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ नौकरियां, काले धन की वापसी, भ्रष्टाचार का खात्मा। इस बार वे सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मुसलमान, पुलवामा, बालाकोट पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अब हिंदू समाज हो या कोई और, उनके अंदर के दलित, आदिवासी, ओबीसी इनसे पूछ रहे हैं कि भाई, हमने 2014 में सरकार बदल दी थी, तुम्हें सत्ता सौंपी थी, पर तुम्हारे इस हिंदू समाज में हम कहां आज खड़े हैं? हमारी खेती, हमारे बच्चों की जिंदगी और हमारी गरीबी क्यों नहीं बदल रही है? लोगों के इन सवालों की आवाज पूरे देश में न सुनाई पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों रोज कोई ना कोई शिगुफा नया छोड़ते हैं। उनका काम शायद पुलवामा, बालाकोट से नहीं चल पा रहा है। न्यूज चैनलों के जरिए वो अपने हर नए शिगुफे को डोमिनेंट डिस्कोर्स बनाते हैं। हर शिगुफा 30 या 32 साल पुराना होता है। पहले कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर बोफोर्स की तोप दागी, राहुल को उनके पिता की याद दिलाई और कहा कि राजीव गांधी के जीवन का अंत महाभ्रष्ट नंबर 1 के रूप में हुआ। जब देखा कि लोगों को एक दिवंगत प्रधानमंत्री जिसकी जान आतंकी हमले में गई थी, जब ये लोगों ने देखा कि इस आदमी के बारे में, ऐसे आदमी के बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ ओछी बात कह रहे हैं, तो वो शिगुफा छोड़ दिया। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी युद्धपोत विराट पर सैर सपाटे और अपने दोस्तों, विदेशी रिश्तेदारों के साथ पार्टी वगैरह करते रहे, ये एक नया शिगुफा छोड़ा। पर जल सेना के तत्कालीन उच्चाधिकारियों ने जब प्रधानमंत्री के इस झूठ को पकड़ लिया और पूरे आरोप को निराधार बताया, तो मोदी जी ने इस बाबत कोई सफाई तक नहीं दी। पतली गली से निकलकर फिर 1984 के सिख विरोधी दंगों पर आ गए। पंजाब में अभी चुनाव बाकी जो हैं, राहुल ने साफ शब्दों में कहा उनकी पार्टी दंगों के लिए माफी मांग चुकी है, जिम्मेदार पाए गए लोगों पर कार्रवाई हुई है, आगे भी हो रही है। विपक्ष ने जब सवाल किया कि मोदी जी 2002 के गुजरात दंगों पर कुछ क्यों नहीं आप कहते, आज तक आपने या आपकी पार्टी ने माफी तक नहीं मांगा उसके लिए। जब से आपकी केंद्र में सरकार आई है, एक एक करके गुजरात के दंगों के कसूरवारों को बचाने और जेल से छुड़ाने में वो लगी है, पर मोदी जी इस पर भी कुछ नहीं बोलते। मोदी जी और शाह जी तो दुनिया की मशहूर अमेरिकी पत्रिका टाइम में छपी उस कवर स्टोरी पर भी खामोश हो गए हैं जिसमें मोदी जी को भारत का डिवाइडर इन चीफ कहा गया है।
चुनाव के मध्य ही टाइम का ये नया अंक अपनी दिलकश मोदी कवर स्टोरी के साथ बाजार में है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी के विभाजनकारी और विद्वेष आधारित राजनीति के चर्चे हैं और मोदी चाहते हैं कि इन चर्चों के बावजूद वो चुनाव जीतें, क्योंकि उनकी नीतियां देश के कथित बहुसंख्यक समुदाय के पक्ष में विभाजन करती हैं, यानी कि वो सिर्फ अल्पसंख्यक विरोधी हैं। पर मोदी शाह की असल समस्या दरअसल यही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी सोच में वो समस्या है। विभाजनकारी अगर व्यक्ति होता है, राजनीति होती है, तो सिर्फ वो किसी एक के साथ विभाजन नहीं करता, वो अपने हित के लिए हर किसी के साथ इसी तरह का भेदभाव, विभाजन और विद्वेष को बढ़ावा देता है। मोदी शाह का संगठन जिन दलित, आदिवासी, ओबीसी को हिंदू समाज के दायरे में रखता है, क्या उनकी सरकार इन उत्पीड़ित तबकों के साथ भेदभाव नहीं करती? क्या इस सरकार ने दलित पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिकार पर हमला नहीं किया? रोहित वेमुला से लेकर कोरेगांव और 13 पॉइंट रोस्टर से लेकर दलित आदिवासी स्कॉलरशिप में कटौती और ओबीसी आरक्षण में कैटेगराइजेशन की जो नई योजना बन रही है, उसके क्या मायने हैं मोदी जी? अब तो सत्ताधारी दल के नेता भी मोदी शाह की जोड़ी के भेदभाव, विभाजन के रवैये से क्षुब्ध दिखते हैं। गुरु आडवाणी और जोशी ये सब तो किनारे लग गए, लेकिन नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक समकालीन नेता आज दबे स्वर में ही सही आवाज तो उठा रहे हैं। गडकरी ने इधर अपनी आवाज थोड़ी तेज की है। अभी कल ही मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार कहा कि भाजपा एक विचार आधारित पार्टी है, ये सिर्फ मोदी शाह की नहीं हो सकती। इतना खुलकर अगर नितिन गडकरी बोल रहे हैं तो इसके कोई मायने हैं। लेकिन मोदी शाह इन दिनों रैलियों में जहां कहीं भी जाते हैं या पोस्टरों में जहां कहीं भी दिखते हैं, वो भाजपा सरकार की बात नहीं करते, वो मोदी सरकार की बात करते हैं। ये नारा लगाते हैं कि मोदी सरकार को दोबारा लाना है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा मैं सवाल इसलिए कह रहा हूं इस चुनाव का, कि इस चुनाव में बहुमत अगर नहीं मिलता है और कई दलों को मिलाकर अगर नए गठबंधन की जरूरत पड़ती है, तो क्या मोदी शाह जैसे नेता भाजपा या संभावित गठबंधन सहयोगियों को मंजूर होंगे? क्या गडकरी, राजनाथ, प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेताओं पर भी संघ भाजपा विचार कर सकता है, या वो सिर्फ मोदी और शाह पर विचार करेगा? दोस्तों, इस बारे में मेरी राय बिल्कुल साफ है। आज की तारीख में मोदी सिर्फ संघ की बदौलत नहीं है। संघ ने उनको पाला पोसा जरूर, संघ ने उनको राजनीति के शिखर तक पहुंचाया जरूर, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी भारत के बड़े कारपोरेट घरानों की बड़ी ताकत भी उनके पीछे है। उनकी राजनीतिक शख्सियत का निर्माण अगर देखा जाए तो संघी कट्टरता, कारपोरेट क्रूरता और काइयापन के रसायन से हुआ है। अगर जनता ने अपने साफ जनादेश के जरिए मोदी शाह की राजनीति को पूरी तरह खारिज नहीं किया और भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, तो मोदी शाह कुछ बड़े कारपोरेट घरानों के जरिए सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश करेंगे और संघ उनके साथ ही रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये जो निष्कर्ष है, मेरा ये जो आकलन है कि अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं आता और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा उभरती है, तो यकीनन संघ और कारपोरेट दोनों मिलकर मोदी और शाह पर ही अपना आजमाएंगे, अपना दांव लगाएंगे और मोदी के नेतृत्व में ही वो सरकार बनाना चाहेंगे। जो लोग समझ रहे हैं कि एक लिबरल, अपेक्षाकृत थोड़ा सा अलग किस्म का नेतृत्व आएगा, मुझे लगता है उनको निराशा झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगर वाकई जनता को, अगर इस देश के विपक्ष को अगर इस तरह की सरकार से राहत पानी है, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो सिर्फ कमेंट कर सकता हूँ, तो उन्हें अगर उनको एक मुक्ति चाहिए तो उन्हें एक ठोस, एक मजबूत जनादेश देना होगा और यकीनन एक ऐसा रास्ता तैयार करना पड़ेगा जिससे एक नए ढंग की सरकार बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।